ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه أُخْرِجَتْ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله معزز ذلماء الكرام محترم سامعين وسامعات اور میرے عزیز اج کا یہ موقع اس मकाम पर जहाँ से मुसलसल दिन का काम हो रहा है एक ख़ास पैगाम के लिए मनतखब किया गया है, और मैं इज़्ज़त के शुक्रिया के बाद इस मकाम के ज़िम्मेदारों, उलमा मनतज़मीन और महसिन का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे यहाँ ख़ुतबे भी हो रहे हैं दुरूस भी हो रहे हैं। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं इसके बावजूद मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी जो बुनियादी इस वक्त हिंदुस्तान में ज़रूरतें हैं और जिस सूरत हाल से हम इस वक्त दो चार हैं उसमें हमारा लाह क्या होना चाहिए और हमें किन बातों की तरफ ज़्यादा तोज्ज़ देनी चाहिए तकरीरें सेमीनारत जुमे के ख़ुतबे दरस कुरान और हदीस ये सब भी बहुत ज़रूरी हैं बग़ैर इसके हमारा ईमान वो सीदगी का शिकार हो जाता है ईमान में जान नहीं रहती और जब ईमान में जान नहीं रहती है तो हर एक बुराई कबूल करने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाती है हर एक बुराई वो अकीदे की हो अमल की हो किरदार की हो इबादत की हो मामलात की हो সামাজিক দবাওও গায়র মুসলিমো কি তাহযীব আর উনকে তمدন কা মাসালা হো আপ আন্দাজা কর সকতে হে মুঝে জাদা ইস বাত সে ওয়াকিফ হে সমাজ মে আপ ਰਹতে হে সমাজ মে হামারি হামারে জওয়ানো কি খাস तौर से सूरत-ए-हाल কিয়া হে কিতনে ফীসেদ জওয়ান হামারে मदारस से मसाजिद सेमाए कराम से जुड़े हुए हैं और कितने वो हैं जो चाहते हैं जुड़ना लेकिन उनकी जो संगत है सोहबत है जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो उनको जुड़ने नहीं देती और एक बड़ा तबका हमारे नौजवानों का ऐसा है जो दीन मजहब, शरीयत, अकीदा, क़ुरान हदीस आखिरत जन्नत इन तमाम चीज़ों से तकरीबन तकरीबन बेखबर उसको कोई एहसास नहीं है ये सही है कि ऐसे नौजवान डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं बड़े बड़े उहदों पर फाइज़ भी हैं अच्छा कमा रहे हैं फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ चला रहे हैं माल उनके पास वाफर मकदार में मौजूद है ये एक अपनी जगह है लेकिन हमारा मकसद ज़िंदगी बैसीत मुसलमान के और बसियत सुन्नत से वाबस्तगी के किताब से मोहब्बत रखने के कुरान और रसूल अक्रम की सीरत से वाबस्ता होने के जिम्मेदारी क्या है हमारी हमें क्या करना चाहिए मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान करके कान में तेल डालकर ख्वाब खरगोश में मुबला हो जाना चाहिए या कुछ सोचना भी चाहिए अपने बारे में अपने बच्चों के बारे में अपने घर अपने खानदान अपने समाज अपनी मिल्लत अपनी कौम अपने दीन अपने धर्म के बारे में भी कुछ वक्त निकाल के हमें 24 घंटे में 10 मिनट ही सही और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल ऐसा है कि इसकी तरह बहुत कम लोगों की तोज्जह है क्राम अपने मिशन से लगे हुए हैं क़ुरान की तालीम को आम करना तर्जुमे करना किताबें लिखना लोगों तक पहुँचाना इज्तम करना कॉन्फ्रेंसें सेमिनार अटेंड करना ये भी काम है लेकिन इन तमाम चीज़ों से क्या जो हमारी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी की बात है उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है जो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं और यहाँ ये यह सोचिएगा कि मैं सिर्फ जमात अल हदीस के ताल्लुक से कह रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है इस गए गुजरे दौर में भी जो लोग अपने आप को अल-हदीस कहते हैं कम से कम बिदात से शर्कियात से काफ़ी हद तक बचे हुए जिनको रसूल अक्रम ने मोहलिकात में शुमार किया अगर इन चीज़ों का इरतक आप करते रहे शिरकियात का बिदात का हजार अच्छाइयाँ करने के बाद भी ये दो अमल आपको हलाकत में ले जाकर जहन्नम तक पहुँचाने का सबब बन जाएंगे तो एक एतबार से कि हमारे म कराम ने जो मेहनतें फरमाई अकीदे की असलाह के तल्ल से शर्क के ख़िलाफ़ महाज खोलने से बिदात के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ जारी रखने से अल्लाह अल्लाबुलज़त उनकी ख़बरों को नूर से भरे और जिन हजरात ने उनका साथ दिया उनके साथ तावन किया उनकी बातें सुनी अल्लाह रबुल्जत उनको करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए अगर वो हमारे दरमियान से चले गए और अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो अल्लाह ताला उनको इस ज़िंदगी में ही ऐसे अमाल करने की मजीद तोफ़ी क़ता फरमाए कि दुनिया से जाए तो किसी भी तरह का कोई मुतालबा किसी का उनके ज़िम्मे ना हो और अल्लाह इज़्ज़त के फरिश्ते उनसे कहें सलामुन अलैकुम आओ यूहन नफसुल मुतमैन المطمئنة रब्बी की रा दिए तरद तुम एक इत्मीनान भरी जिंदगी गुजारते थे अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से राजी थे उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी अब लौट चलो अपने रब की तरफ इस हाल में कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है ये मामूली बात नहीं है इसको हम मामूली बात समझ के और कुरान के तर्जमे पर उसके पैगाम पर ध्यान ना देकर नज़रअंदाज कर देते हैं ये जिंदगी का हासिल है ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह रबुल्जत फरिश्ते भेजे और बंदे को वो मुतमइन करें दुनिया नहीं देख रही है रिश्तेदार नहीं देख रहे नातेदार नहीं देख रहे भाई बंद बेटे मियाँ बीवी नहीं देख रही है उसको लेकिन फरिश्ते उनसे कह रहे हैं इर्जे इला रबी की राह मर दिया अब अपने रब की तरफ लौट चलो दुनिया में तुम आए थे रहे सहे जिंदगी गुजारी तुमने ऐसी जिंदगी गुजारी कि अल्लाह उस अमल से राजी रसूल अकरम की फर्मा बरदारी को तुमने अपनी जिंदगी के लाह अमल बनाया अब चलो लौट चलो किसकी तरफ अपने रब की तरफ तुम्हारा रब तुमसे राजी है और तुम उसके फैसले से राजी अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं यह छोटी चीज़ नहीं है ये सबसे बड़ी चीज़ है और इस सबसे बड़ी चीज को हासिल करने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगियां वफ़ कर दी इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियां बेदरेख इस्लाम के लिए पेश की अपने नौजवान बच्चों को अपने सामने इस्लाम की राह पर कुर्बान होते हुए खुशी से भेजा गवारा किया माल मिला तो अल्लाह के रास्ते में जहां जरूरत महसूस की वहां बेदरे खर्च कर दिया यह नहीं सोचा कि कहां से आएगा उनके दिल में था जिसने दिया था उसकी रजामंदी के रास्ते में खर्च कर दिया वो और देगा और अल्लाह रबुल्जत ने उनको और दिया इतना दिया इतना दिया कि उनके वहमो गुमान से बढ़कर हो गया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि के सब कराम जब हिजरत करके मदीना आए थे अगर सिर्फ इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लें ठंडे दिन से और किताब में नहीं बुखारी शरीफ ही में पढ़ लें आप बाकी और किताबों में ना भी पढ़ें तो भी आपको अंदाजा होगा कि वो हालात हमारे तस्वुर से बाहर है हम एक मिनट भी उस अंदाज की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं होंगे मन हमारा भटक जाएगा हौसले हमारे टूट जाएंगे हिम्मतें जवाब दे जाएंगी और हमारा ये बदन जो राहत तो व आराम का आदि है उन तकलीफों और परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा एक बार ही जिंदगी में उन कैफियतों को सिर्फ पूरी जिंदगी को छोड़ दीजिए रसूल अकरम और साहब करम की सिर्फ हिजरत के वाकयात को आप पढ़ लीजिए और अल्लाह रबुल्जत ने किस प्यारे अंदाज से कुरान शरीफ में उनका तस्कर फरमाया है मुहाजरीन का और फिर अंसार का हजरत स्मान गनी और हजरत अब्दुलरम अपने औफ का सिर्फ अगर तस्करा किया जाए एक दो बात शायद आप अंदाज़ा लगा सकें कि हजरत अब्दुलरमान जब हिजरत का इरादा करके मक्के से निकलना चाहते थे अपनी बीवी बच्चे ऊंट और उस पर सामान लदा हुआ है तो जैसे ही घर से निकले तो उनके खानदान वाले आ गए। कहाँ जा रहे हो मदीना जा रहे हो ठीक है तुम जाओ लेकिन इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो यह बच्चा तो हमारे खानदान का फर्द है हमें तुम्हें इजाजत नहीं दे सकते इस बच्चे को ले जाने के लिए इसको बेदीन नहीं बनाना हमें तुम बेदीन बनने जा रहे हो जाओ हजार समझाया नहीं मानते जाओ बच्चा नहीं ले जाने देंगे बच्चे को जबरदस्ती उनके सामने से उठाकर खानदान वाले ले गए अभी चार कदम चले हैं ये बीवी के मैके वाले आ गए कहां जा रहे हो मदीना जा रहे हो जाओ लेकिन हमारी लड़की को कहाँ ले जा रहे हो मेरे साथ जा रही है अपनी मर्जी से नहीं नहीं हम अपनी लड़की को बेदीन बनाने के लिए नहीं भेज सकते ये हमारे खानदान की लड़की है और हम तुम्हारे दीन से बेदार हैं वो बीवी को छीन के ले गए भाई है कहने लगे ये ऊंट और इस पे जो सामान है ये तो मुश्तरका है आप इसके मालिक थोड़ी है? ये कहाँ ले जा रहे वो ऊंट छीन के ले गए सामान छीन के ले गए अब क्या बचा है एक जोड़ी कपड़ा जो पहने हुए हैं इसके अलावा कुछ नहीं है लेकिन हिम्मत देखिए ईमान देखिए उनके हौसले देखिए उनकी आर्जुए तमन्नाएं देखिए इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करने का वो जज्बा देखिए जो उन्हें पहाड़ से ज्यादा मजबूत सख्त और साबित कदम बनाता है मक्के से अकेले निकल पड़े आज के ज़माने में तो चंद घंटों में मक्के से मदीना पहुंच जाते हैं उस जमाने में तो ऐसा नहीं था जब मदीना पहुंचे हैं तो इस हाल में के चेहरा धूल से अटा हुआ है कपड़े बोसीदा मैले कुचैले फटे हुए हैं एक आदमी ने आके रसूल अकरम से अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, रसूल अब्दुलरहमान आए लेकिन बहुत बुरी हालत में आए हैं क्यों जालिमों ने उनकी बेवी भी छीन ली बेटा भी छीन लिया ऊंट भी छीन लिया माल भी छीन लिया सिर्फ एक कपड़े में मैले कुचैले कपड़े में चेहरा खाक धूल से अटा हुआ है इस हाल में मदीना पहुंचे हैं फरमाए ईमान तो बचा कर लाए हैं यहां अल्लाह के रसुल ईमान बचा कर ला ईमान बचाना ही असल मकसद है मुसलमान का उनकी जिंदगी का ये वाकया हमें यह पैगाम देता है माल चला जाए जमीन चली जाए बीवी बच्चे सब छीन लिए जाए लेकिन अगर ईमान हमारे साथ है तो हम कामयाब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं क्योंकि ये जिंदगी किस लिए है जिंदगी इसलिए है कि इसमें अमल करके हम अपने रब को राजी करें और कोई मकसद नहीं नमाज रोजा हज जक़ात सदक़ात खैरात जो कुछ भी नेक अमल हम करते हैं इन तमाम का खुलासा क्या है नमाज क्यों पढ़ते हैं रोजा क्यों रखते हैं जक़ात क्यों देते हैं हज क्यों करते हैं सिर्फ एक मकसद के लिए और वो मकसद है हमारा रब हमसे राजी हो जाए अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल हो जाए और जिसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है तमाम मोहब्बतें उसके सामने दम तोड़ देती हैं वतन हो माल हो औलाद हो बीवी हो बच्चे हो खानदान हो कोई भी हो इन तमाम से मोहब्बत होती है जयन अल नासबू शहबात मीना वलबन वलमक मीना जहाबी वल फिजा वलखैलमुसव यह फितरी चीजेंबुलजत ने जिक्र फरमाई है यह इंसान की फितरत में है इंसान दुनिया में रहता है तो जेब जीनत अच्छी बिल्डिंग अच्छा मकान अच्छा साजो सामान अच्छा तर्ज़ माश व माशरत अच्छी बीवी खूबसूरत अच्छे बच्चे तालीम याफ़्ता फैक्ट्री माल सोना चांदी ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है बुराई नहीं है ये ये अल्लाह रबुलजत ने फितरत में रखी है हमारी अल्लाह ज़त ये नहीं कहता कि इनको छोड़ दो कमाओ मत हासिल ना करो फैक्ट्रियां लगाओ कंपनियां लगाओ अच्छी जगह शादी करो बच्चों का पालन पोषण करो जो जिंदगी के मजे हैं लुत्फ है, है जायज हद में उठाओ लेकिन सिर्फ एक बात का मुतालबा करता है इन सारी चीजों की मोहब्बत Allah की मोहब्बत पर गालिब नहीं होनी चाहिए सब पर गलबा अल्लाह की मोहब्बत का रहना चाहिए बीवी के साथ ताल्लुक बच्चों के साथ मामलात, घर रिश्तेदार नातेदार इन तमाम के साथ और भी गैर मुस्लिमों और पड़ोसियों के साथ जो मामला हो वो इस हद में होना चाहिए कि इस्लाम ने शरीयत ने अल्लाह ने रसूल ने हमें इनके साथ ऐसा मामला करने का हुक्म दिया है ताकि अल्लाह की मोहब्बत में फ़र्क ना आए नाफरमानी से गुनाह से अल्लाह की मोहब्बत में फ़र्क आता है बंदा अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल हो जाता है टूट जाता है और अल्लाह फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व व वम वालकमूहा व तजारत तख्सून का इलैकुम मिन इकुमिन व रसूली इस अहब्बा का लुत्फ यह अरबी जानने वाले कराम जानते हैं तो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इन चीज़ों से मोहब्बत ना करो माल कमाओ कंपनियां और फैक्ट्रियां लगाओ इस्लाम कहा मना करता है बीवी से मोहब्बत करो बेटों से मोहब्बत करो रिश्तेदारों माँ बाप से मोहब्बत करो और खूब मोहब्बत करो लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब नहीं होनी चाहिए गालिब अल्लाह की मोहब्बत रहे यहां तक के अपनी इबादत के बाद सबसे पहला हुक्म दिया अल्लाह इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ एहसान करने का कर। वक्त अब ताबुदु इल्ला अब तेरे रब का फैसला यह है कि तुझे दुनिया में रहते हुए इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है अब इसके बाद वह बिलवाल अहसाना बीवी नहीं बच्चे नहीं रिश्तेदार नहीं नातेदार नहीं खानदान वाले नहीं सिर वाल और फिर उसकी लंबी तफसील अगर वो ज़यीफ हो जाए कमजोर हो जाए ऐसे हो जाए वैसे हो जाए तो तुझे कैसे रहना है वकफिज लहुमा जना हजुल्लमिन रहम वकबर रब्बिर कमा रबानी सगेरा ये देखिए जिंदगी कैसे गुजारनी है मां बाप के साथ अपने शाने अपने बाजू नीचे करके इनके सारी और आजजी के साथ वक्फिज लहुमा जना हजुल ये जना है लेकिन इसके साथ जुल लगाया आजजी और जिल्लत के साथ वालिदैन के सामने ये तुम्हारे शने उचकने नहीं चाहिए किसी के भी सामने शाने उछकाओ वो डराता है तुम्हें तुम उसको डराओ लेकिन वालदेन के सामने डाउन मिना रहमा और शान तुम्हें झुकाना तो है लेकिन रहमत के नुकता नजर से मेहरबानी रमत वालदे के साथ ये तो अमल है जाहिरी और फिर फरमाया वुरबर हम हम कमा रबा यानी सवीरा और हमेशा जब अपने लिए दुआ किया करो अपनी बख्शिश की मकफरत की गुनाहों से माफ़ी की जन्नत के हसूल की जहन्नम से बचने की अपने ख़ानदान मियाँ बीवी बच्चों की आफियत की तो साथ में कभी मत भूलना मकुरबर हम हमा कमार्बैयानी शरीर मेरे रब मेरे वालदे ने मेरे पालन पोषण में बड़ी परेशानियां उठाई हैं और बड़ी मेहरबानियों से मुझे पाला है बड़ी नजाकतों से बड़ी रहमत से ऐ, मेरे रब उससे बढ़कर रहमत मेहरबानियां मेरे वालदेन पर फरमाया ज़िंदा है तब भी दुनिया से चले गए हैं तब भी और जब बच्चा अपने हक में अपने वालदेन के हक़ में दुआ करता है तो अल्लाह रबुजत उस दुआ को बहुत जल्द कबूल करता है ना हदीस में कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है जो तीन चीज़ें उसको फायदा देती हैं उसमें एक चीज़ क्या है उसकी नेक औलाद की दुआएं सवाब के नाम पर खाने पीने के बिरयानी मुतंजन कौरमा फिरनी की बड़ी लंबी लिस्ट है कौम के पास लेकिन इसका फायदा क्या है सिवाय दिखावे रियाकारी फजूल खर्ची के और कुछ नहीं है ये शान और शौकत आपने दिखाई सवाब तो इसका कुछ ही नहीं मिला क्योंकि आप रियाकारी कर रहे हैं रियाकारी का कोई अमल कबूल ही नहीं है लेकिन जो आप दुआ करते हैं वो दुआ अल्लाह लहरबुलजत के यहाँ पहुँचती है आप चाहें तब भी ना चाहें तब भी तो ये अल्लाह लहरबुलजत ने हमें बताया कि हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे अब्दुलर इबन औदी अल्लाह इस हाल में मदीना पहुँचे हैं कि हालत खस्ता है और एक पैसा जेब में नहीं गरीब हैं। बैठ जाता हूँ जहाँ छाओ घनी पाता हूँ। शायर ने क्या अच्छा नक्शा खींचा कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाओ घनी पाता हूं हा क्या चीज गरीबलवतन ही होती है एक वतन का हाल आप अंदाजा नहीं कर सकते जब तक उस कैफियत से ना गुजरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान शरीफ में पढ़े जब मिस्र से फिराउन और उसके लश्करियों के पकड़ने से डर कर भाग रहे हैं और मदियन पहुंच रहे हैं तो उस वक्त जुबान पर कुछ और नहीं है सिर्फ एक बात है भूखे हैं प्यासे हैं रब इन्नी बिमा अंजल तलेम इन खीर इन फकीर इतना अजीब रसूल उसके एक घूसा मारने से आदमी खत्म हो गया ताकत कुत सात सात आठ आठ आदमी जिस डोल को खींचते हैं पानी के लिए भूखा है प्यासा है फिर भी अकेला उस डोल को खींचकर हाउस भर देता है और बच्चियों को अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कहता है अंदाजा देख रहे हैं आप ताकत है कुत है अल्लाह रबुलज ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन जुबान पर क्या है रब्बी इन्नी बिमा अंजल तलैया मिन खर इन फकीर सख्त मोहताज हूँ जो कुछ भी तू मेरे लिए उतार दे इंतजाम कर दे और अल्लाह रब्बुल इजत ने इंतजाम कर दिया घर भी मिला रहने की जगह भी मिल गई हिफाजत और खौफ से छुटकारा भी हो गया और अल्लाह रबुल्जत ने वहीं पर एक नबी की बेटी से उनकी शादी भी करवा दी बीवी भी, भी, भी मिल गई इन बे मंजुल तेल खैर फकीर फकीर आज ये लफ्ज अगर अम्बिया कराम के बारे में औिया के के बारे में कोई इस्तेमाल कर दे तो लोग आपका घर ढाने के लिए और आपकी चमड़ी उधारने के लिए चले आएंगे और हजरत मिसलात ये दुआ फरमा रहे हैं और कुरान शरीफ में लिखी हुई है बहरहाल हजरत अब्दुलरहमान अल्ह रबत के नबी ने उनकी मुआखात एक अंसारी साहबी से करवा अंसार अल्लाह रबुल इजत उनके दर्जात को बुलंद फरमाए उनकी औलादों को इज्जत और एहतराम से अल्लाह रब्बुल अल्लाबुलजत इस दुनिया में रहने की तोफीकता फरमाया हकीकत यह है कि अगर आप अंसार का किरदार रसूल करम साहब कराम और इस्लाम के बारे में देखेंगे ना तो कोई कौम अंसार का मुकाबला नहीं करती मुहाज़रीन भी नहीं अरब के कुरैश के लोग भी नहीं जो किरदार इन लोगों ने पेश किया है और ये सिर्फ मोहब्बत रसूल में मोहब्बत इस्लाम में अल्लाह की मोहब्बत में और कोई मोहब्बत नहीं थी कोई कुरैशियों से उनकी मोहब्बत नहीं थी किसी नाम से किसी सूरत से किसी शक्ल से उनकी मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं था ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए महाजरीन के साथ वो साहब ही उनको लेकर चले आओ भाई मेरा घर देखो एक घर दिखाया दो घर दिखाया जंगल ले गए एक बाग दिखाया दो बाग दिखाया अब इनकी तो बीवी छीन ली थी लोगों ने दो बीवियां थी उनके पास उन्होंने दोनों बीवियां उस वक्त तक पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे तो दोनों बीवियां दिखाई ये मेरी बीवियां ये मेरे बच्चे और फिर उसके बाद कहा इन दो घरों में से जो घर आपको पसंद हो वो आप ले, ले इन दो बागों में से दो बाग आपको पसंद हो वो आप ले लें और इन बीवियों में से जो बीवी आपको पसंद हो आप इशारा कर दें मैं उसको तलाक दे देता हूं और इद्दत के बाद आप उससे निकाह कर लें यह किरदार कहीं किसी कौम की तारीख में आपको नजर आता है क्या देखा है आपने सुना है कहीं पढ़ा है आदमी अपना घर दे दे अपना बाग दे दे जो उसकी मीषत का आ, उस जमाने का बाग आज के जमाने की फैक्ट्री फैक्ट्री कम कीमत है उस जमाने के बाग के मुकाबले में बाग पूरा आपका है आप मेरे भाई है मैंने आपको दे दिया घर आपका है बीबी आपकी है जो आप इशारा कर दें यह अजमत किरदार सिर्फ अंसार का हिस्सा है अंसार का हिस्सा और कोई इसमें शरीक नहीं सारे महाजरीन की आप तारीख पढ़ जाओ किसी महाजर ने किसी अंसारी को किसी दूसरे मुसलमान को अपना घर दिया हो बाग दिया हो बीवी दी हो पूरी तारीख पढ़ जाइए आप मैंने तो इस मामले को लेकर बहुत कुछ लिटरेचर पढ़ा तारीखें देखी कहीं भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिली मुझे आप कोशिश करें लेकिन हैर मुहाजरीन, अल्लाह रबुलजत उनके दर्जात बुलंद फरमाए वो आए थे वहां से अल्लाह की मोहब्बत में इस्लाम और दीन की मोहब्बत में वो माल लेने नहीं आए थे मकान लेने नहीं आए थे किसी के बाग पर कब्जा करना उनका मकसद नहीं था कोई बीवी उनको यूं मिल जाए ये उनका मकसद नहीं था फरमाया बार कल्लाक फ़ी अमालिक वौलादिक व व अज़वाज़िक़ा अल्लाह आपके बाग़ में घर में औलाद में बीवियों में बरकत था फरमाए हम तो ताजर कौम है तजारत करना आती है हमें हम किसी का एहसान लेकर जिंदा रहने की कोशिश नहीं करते हमें तो आप यह बताइए मदीने में थोक मार्केट कहाँ है जहां से लोग माल लाते हैं और फुटकर मार्केट कहां है जहां पर बेचते हैं यह बता दीजिए हम कुछ ही दिनों में अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे काश मुसलमान उस साहबी के इस किरदार को अपने अमल में लाए आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले मुसलमानों में है ये ठीक है अंग्रेजों से लेकर आज तक की हुकूमत की साजिशें शरारतें बदमाशियां सब मुसलमानों के हौसले तोड़ने के लिए उनको बेइज्जत करने के लिए साजिशें शरारतें करती रही हैं लेकिन ये बात अलग है अपनी जगह पर है मक्के वालों ने कौन सी कसर छोड़ी थी हजरत अब्दुलर ऑफ के हौसले पस्त करने में हौसले तोड़ने में कोई कसर छोड़ी थी बीवी छीन ली ऊंट छीन लिया सामान छीन लिया बेटा छीन लिया और क्या रह क्या मुसलमान के हौसले ऐसे कमजोर नहीं होते वो ऐसे अपनी हिम्मतों को कमजोर नहीं होने देता लेकिन कब इस तमाम का ताल्लुक है अल्लाह की मोहब्बत से दीन की मोहब्बत से इस्लाम की मोहब्बत से अगर अल्लाह की मोहब्बत है दीन की मोहब्बत है तो कभी हौसले पस्त नहीं होने देता अपने हमेशा तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर हमेशा वो बुलंद हौसला रखता है निगाह बुलंद सुखंद जा है रखते सफर मीरे कारमा के लिए लेकिन आज हौसले हमारे टूटे हुए हैं और हमारी तमन्नाएं, आर्जुए मामूली चीजों में अटकी हुई हैं क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत से हम कोसों दूर हो गए हैं इस्लाम की मोहब्बत हमारे सीने में वो नहीं दीन और शरीयत की मोहब्बत और उससे लगाव हमारा वो नहीं जो बीवी से बच्चों से कारोबार से बिल्डिंगों से कंपनियों से फैक्ट्रियों से और दूसरी चीजों से है आज ये सारी चीजें अल्लाह की मोहब्बत पर रसूल की मोहब्बत पर दीन की मोहब्बत पर गालिब हो गई है जिसकी वजह से हम बेहौसला हो रहे हैं बेहौसला कितने लोग थे जरा तारीख में ढूंढने की तो कोशिश करो जो मुहाजिर मक्के से मदीना गए थे कितनी तादाद थी इनकी उंगलियों पर गिन सकते हैं आप तादाद इतनी सी है लेकिन हौसले बुलंद हैं नजर बुलंद है मंजिल बहुत कठिन है लेकिन उसी कठिनाई में जिंदगी गुजारना उनका महबूब मशगला है और आज हम तीस पैंतीस करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में तीस करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हुए इतने बेहौसला हैं कि हमारा भाई चौराहे पर पीटा जा रहा हो मारा जा रहा हो और हम मुसलमान हैं नजर बचाकर वहां से निकलने में आफियत समझते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या यही सूरत हाल नहीं है करोड़ों की तादाद में होकर हमारी बेहोश लगी बेहिम्मती दू इस हद तक पहुंच गई है उसके पीछे क्या है उसके पीछे है अल्लाह की मोहब्बत का ना होना उसके पीछे है दीन से लगाव ना होना उसके पीछे है शरीयत की मोहब्बत का ना होना जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर जब वक्त शहादत आता है दिल सीनों में रखसा होता है ये कैफी ये बातें जो मैं आपको सुना रहा हूं आज के जमाने के लिए ये बिल्कुल नामानूस बातें ऐसी बातें हैं कि जैसे लग रहा है कि ये बातें तो होती ही नहीं है ये कौन से इस्लाम की दीन की बातें कर रहे हैं बिल्कुल वही कैफियत है जो इकबाल ने कहा कि सुनेगा इकबाल कौन तेरी सुनेगा इकबाल कौन तेरी ये अंजुमन ही बदल गई है नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं अरे मौली साहब आज के हालात दूसरे हैं अरे आज के हालात अरे मोलि साहब आप नहीं जानते हालात मौलि साहब नहीं जानते हैं मौलि साहब प्रस्तान से आए हैं मौली साहब कहीं आसमान से आए हैं जिस समाज में तुम रह रहे हो मौली साहब भी उसी समाज में रह रहे हैं उसी समाज का हिस्सा जिन तकलीफ़ों परेशानियों और जिन घुटन भरे हालात से तुम दो चार मौली साहब भी दो चार है वो अपने दिल की बात आपके सामने रख रहे हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर तो करें और कुछ नहीं ईमान को ताजा करो ईमान को मजबूत करो अगर ईमान कमजोर है तो हजार माजून खाओ चिवन पराश खाओ प्रणिक पियो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आ सकती तुम बैठे से उठकर खड़े नहीं हो सकते कोई चिवन पराश और कोई माजून और कोई खमीरा तुम्हें खड़ा नहीं कर सकता अगर तुम्हें खड़ा कर सकता है तो सिर्फ ईमान अल्लाह की मोहब्बत इस्लाम की मोहब्बत ये तुम्हारे दिल में वो जज्बा और कुवत भर सकती है कि इसके होते हुए तुम्हारे सामने दुनिया और उसकी जेबोजीनत शैतान और उसकी जरूरीत की फैलाई हुई सारी गुमराहियां हैं छें उनकी तरफ तुम नजर उठाकर भी नहीं देखते और देखते हो तो नफरत की नजर से मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से अगर दिल ही मर गया तो रहा क्या है क्या बचा है और ये दिल अल्लाह की मोहब्बत का मस्कन है इस्लाम की मोहब्बत का मरकज है इस ईमान की हिफाजत इस दिल की हिफाजत ये पहला फरीजा है हमारा हमारे नबी की बेसत के मकासद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकसद ये जिक्र किया व यू जकी हिम वही मोहमोल हिकमा ये नबी तजिया नफ्स करता है हम लोग हैं हमारा नफ्स मोटा हो गया है उसके तजकिए की जरूरत है बेतजिया दिल बे तजिया नफ्स सरासर शैतान का जाल है उसका वो चुंगल है कि वो आसानी से उसको पकड़कर जिस राह पर चाहता है लगा देता है भाइयों अजीजो ये दो चार बातें तो तमहीद के तौर पर यूं ही बर सबेले तस्करा आ गई असल बात जो मुझको कहना थी वो बात थी अब मुख्तसर अंदाज में उसको कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो कौमें जब किसी कौम को बर्बाद करती हैं जिल्लत से दो चार करती हैं तो सबसे पहले तीन काम करती हैं और इस अंदाज से करती हैं कि उस कौम को उसका एहसास भी नहीं होता इनलमुललू काजा दखलूकियतन अफसद अल्लाह जात अहलहादिल माजी के बादशाह और आज के जमाने का जमहूरी निजाम हमारे जमाने में जो कुछ भी निजाम हमारे यहां राइज है ये क्या करते हैं सबसे पहले समाज को फसाद का शिकार कर देते शराब आम है सरकार सर्टिफिकेट दे रही है शराब बेचने का पीने का सहूलतें हैं उसके लिए कोठे आबाद करने का औरतों को जिसम फरोशी के लाइसेंस हुकूमत बांटती है और तो आज देख रहे हैं आप जिस जमाने में हम हैं अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए हमारे ज़माने में बड़ी बड़ी हुकूमतों से मर्द की शादी मर्द से औरत की शादी औरत से करने का कानून पार्लियामेंट में पास किया हुआ है और हमारी हुकूमत में भी कोई आदमी किसी भी लड़की से वो किसी भी ख़ानदान की हो कुआरी हो बेवा हो या कोई भी हो अगर उससे जनाकारी करता है उसकी रजामंदी से पैसे देकर तो ये कोई जुर्म नहीं है अफसद सारा निजाम फसाद का शिकार है आप एक आदमी का सर कलम करके हाथ पर रखकर थाने जाओ और साथ में एक बैग भी ले जाओ नोटों से भरा हुआ तो वो जो सर आप लेकर गए थे वो रिपोर्ट में तरबूज हो सकता है खरबूजा हो सकता है और सर का कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा एक औरत की ग्यारह ग्यारह आदमी मिलकर बेजती करते हैं इसमत दरी करते हैं उसके खानदान के बच्चों को जवानों को उसकी आंखों के सामने कत्ल करते हैं और हमारी अदालतें उन लोगों को इज्जत वाला घोषित करके जेल से रिहा कर देते हैं ऐसे हालात में हम जिंदा हैं शुक्र कीजिए कि हम जी रहे हैं वहां है मुहाफिज जहां कातिलों की तरह ऐसे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं ऐसे में हमें आंखें खोल कर जिंदा रहने की जरूरत है तो क्या करते हैं सबसे पहले समाज को फसाद से दो चार करते हैं और, और ये करते हैं जाहादिल्ला जो इज्जत वाले हैं उन्हें जलील बनाने की तमाम तरकशिशें कानून और सारा सिस्टम उसका मुआविन बन जाता है इस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 800 साल तक और कुछ कम 1000 साल तक हुकूमत की और ऐसा भी दौर आया कि हमारी जुबान से निकला हुआ लफ्ज कानून की हैसियत रखता था इज्जत देख रहे हैं आप कोई मुनाफिस नहीं था कोई आवाज हमारे खिलाफ नहीं था। जो आज बड़े बड़े जोधा बन रहे हैं इनके बाप दादा सुबह शाम डंडोत करते थे आज वो हमारे खून से होली खेलने की प्लानिंग कर रहे थे वजाल हुआ इज्जत हाजिल्ला और जलील से जलील तर करने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं तो इसमें हमें शिकायत क्या है और क्या हक है हमें शिकायत करने का भाई वो उनका काम है लोग ऐसा ही करते हैं हुकूमतों के अहलकार हमेशा हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के तमाम इलाकों में ऐसा ही करते हैं अगर ऐसा ही करते हैं तो क्या हमें उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए सर झुका लेना चाहिए आंखें मूंद लेना चाहिए दिमाग को मुत्तल कर देना चाहिए या कुछ करना भी चाहिए तो मैं आपके सामने तीन चीजें रखना चाहता हूं तीन बातें और इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, फैलाओ खास तौर से नौजवानों को इसके लिए आमादा करो किसी से लड़ना नहीं है किसी के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करना है किसी की दुश्मनी में अंधे बहरे होकर कदम नहीं उठाना है सिर्फ अपने अपनी मिल्लत और अपने समाज की भलाई के लिए अपनी गुज़िश्ता अजमतों को जिंदा रखने के लिए ये तीन काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्या है वो तीन प्रोग्राम सबसे पहला प्रोग्राम है वक्त मेरा उसी में चला गया जो असल मकसद था वो नहीं हुआ लेकिन मख्तसर अंदाज़ में आपको बताता हूँ देखिए जब भी कोई कौम किसी दूसरी कौम को जिल्लत और ख्वारी से दो चार करके उनको बर्बादी से हम किनार करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है उनका उनकी ज़ुबान काट लेना जुबान काटने का ये मतलब नहीं है कि कोई बाकायदा कैंची लेके हमारी ज़ुबानें काट रहा है ज़ुबान काटने का मतलब है हमारी जो मादरी ज़ुबान है जो हमारा सासा है जो तहजीब की हमारी नुमाइंदा ज़ुबान है जिसमें कुरान शरीफ़ के तराजम हैं तफसरें हैं अदीस के तर्जमें हैं और उसकी शरहें हैं तारीख़ इस्लाम है हमारे मुलूक व सलातीन का तस्करा है हमारे ओलमा और हमारे आबाजाद की तारीख़ है वो ज़ुबान है उर्दू वो ज़ुबान है उर्दू उर्दू के लिए जब से मुल्क तकसीम हुआ है तब से बराबर हुक्मरानों की तरफ से उर्दू को खत्म करने की प्लानिंग अगर इसकी तारीख लिखी जाए तो इतनी दर्दनाक तारीख होगी लेकिन शिकवा हमें हुक्मरानों से नहीं है हुकूमतों से नहीं है कांग्रेस से नहीं है शिकवा तो हमें अपनों से है जो हमारे लीडर हैं जो हमारे रहनुमा हैं जो हमारे कायद हैं जो हमारे वोटों से पार्लियामेंट पहुंचते हैं संसद पहुंचते हैं लोकसभा और राज्यसभा पहुंचते हैं जो अहदेदार बनते हैं बड़े बड़े माल कमाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और तिजारतें खड़ी करते हैं ये किस कौम के फर्द हैं हमारी कौम के हमारे वोटों से जीत कर आगे जाते हैं कभी इन्होंने उर्दू के लिए कोई संघर्ष किया कोई कोशिश की बयान दिया गलत पॉलिसियों पर कभी हुकूमत से जवाब तलब किया नहीं किया आइंदा क्या उम्मीद है आपको करेंगे ये लोग नहीं करेंगे तो जिनसे उम्मीद थी उम्मीद जाती रही जब तो ही उठ गई गालिब क्या किसी का गिला करे कोई ही नहीं रही हमें इन लोगों से तो अब यह काम हमें करना है ये काम किसको करना है हमें करना है समाज को करना है ओलमाए कराम को करना है और मैं खास तौर से ओलमा कराम से अपील करता हूँ इस गए गुजरे ज़माने में भी अल्लाह के व करम से कराम का असर समाज में है लोग उनकी बात सुनते हैं उस पर गौर करते हैं मानते हैं लेकिन उलमा कराम के यहाँ भी उर्दू के सिलसिले में जर्रा बराबर बेदारी नहीं पाई जाती ये लिख रहे हैं ये इतना बड़ा मरकज़ है आपका यहाँ से हर महीना दो महीना पे एक शानदार किताब छपती है इका में उर्दू में बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा कौन जो हमारे बूढ़े लोग हैं जो कुछ करने के लायक नहीं है ढलाव है उनका वो अपनी आखिरत संवारने की फिक्र में लगे हुए हैं समाज कौन बनाता है जवान और जवान हमारे उर्दू जानते नहीं आज कोई किताब हम जाकर पेश करते हैं कि भाई इस किताब को ख़रीदो इसको पढ़ो मुली साहब हमें उर्दू नहीं आती तो सर शर्म से पानी पानी हो जाता है झुक जाता है कि हाय अफसोस हम इस कौम के आलम हैं मौलवी हैं रहनुमा हैं कायद हैं और ये नौजवान हमारे सामने शानदार शक्ल सूरत में पढ़ा लिखा लेकिन हमारी जुबान नहीं जानता है हमारे मुखालिफों की जुबान में माहिर है डॉक्टरेट किया हुआ पी एच डी बी ए है एम ए है सारी डिग्रियां इसके पास किस जुबान की हैं जिन लोगों ने हमें इस हाल में पहुंचाया है जिम्मेदार कौन है क्या जिम्मेदार ओलमा नहीं है

लाय अमल तैयार करना चाहिए ना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश की ट्यूशन के लिए साइंस की ट्यूशन के लिए मैथ की ट्यूशन के लिए हजार दो हजार से लेकर पंद्रह हजार रुपए महीना तक आप दे रहे हैं मस्जिद में फ्री उर्दू की तालीम हो रही है कुरान की तालीम हो रही है तो वहां अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं है हमारी माए बहने इस कदर गाफिल मैथ की ट्यूशन के लिए अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है पीटा जा रहा है खाना बंद किया जा रहा है और उसकी दिलचस्पी की चीज़ों से उसको महरूम किया जा रहा है लेकिन वो ज़ुबान जिसमें अल्लाह का कलाम है हमारी तारीख़ है हमारे बुज़ुर्गों की तारीख़ है हमारा दीन है हमारे कराम है हमारे साहब कराम की तारीख़ें हैं जो हमारी मादरी ज़ुबान है उसके लिए अगर बच्चा नहीं जाता है तो मां आसानी से बर्दाश्त कर ली को कोई बात नहीं है बच्चा है अच्छा तो मैथ के लिए बच्चा नहीं था इंग्लिश की ट्यूशन के लिए बच्चा नहीं था क्राम सौ रुपए माहाना अगर उर्दू की तालीम के लिए ट्यूशन दे मौली साहब ज़रा हालात ऐसे हैं तो मौली साहब कौन से टाटा बिरला हैं कि उनसे आप दरख्वास्त कर रहे मौली साहब पचास रुपए कम कर दो डेढ़ सौ रुपए तो बहुत ज्यादा है क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात पर एक आलिम को जो हमारे दीन को ईमान को बचाने की फिक्र में लगा हुआ है हमारी तहजीब के तहफ के लिए कोशा है उसको डेढ़ सौ रुपये हम नहीं दे सकते और जो दुश्मनों की जुबान सीख रहा है सिर्फ दुनियावी तरक्की के लिए जिसका आंख बंद होने के बाद कोई भी काम नहीं ना कब्र में ना हशर में ना कयामत में ना जन्नत में उसके लिए पंद्रह हजार रुपए मामूली है क्या हम सोचेंगे गौर करेंगे इस बात पर भाइयों गौर करो गौर करो उर्दू एक बात आपको बताता दू जरा गौर करें इस पर उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब गुजरे कन्हैया लाल कपूर कश्मीरी थे कश्मीरी पंडित बहुत बड़े अदीब मजाह नगार भी थे और बच्चों के अदीब कहलाते थे एक वाक उन्होंने लिखा आज से तीस चालीस साल पहले मैंने वो पढ़ा लेकिन आज तक मेरे जहन में उसी तरह से पेवस्थ है क्योंकि बात ऐसी थी जो हमें गौर करने और सोचने पर मजबूर करती उन्होंने लिखा कि हम पंजाब में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में एक लड़का हिंदी का नॉवेल पढ़ता था तो हम साथियों को यह शुभा था शायद ये लड़की है और लड़के का लिबास पहन के काली जाता है असलन क्या है लड़की है क्यों भाई यह कौन सी बात हुई अब देखी बात सुनिए लिखा है कि उस जमाने में सारे कॉलेज में सारे स्कूल में जितने भी बच्चे होते थे सब उर्दू पढ़ते थे ये अंग्रेज के आखिरी दौर का मसला है और वो यूपी से आया था और उसके अब्बा बड़े ऑफिसर थे उनका तबादला यहां हुआ था इस नतीजे में वो यहां आ गया था तो चूंकि यूपी से आया था तो हिंदी जानता था तो हिंदी की किताब पढ़ता था और हम सारे लोग उर्दू पढ़ते थे तो हमें यह शक था कि यह लड़का है कि लड़की है फैसला नहीं कर पाए थे क्यों इस बुनियाद पर इस बुनियाद पर कि हमारे यहां हिंदी सिर्फ लड़कियां पढ़ती हिंदी कौन पढ़ता था सिर्फ लड़कियां और मर्द लड़के उर्दू पढ़ते थे उस जमाने में सर्विस उर्दू पढ़कर मिलती थी सर्वसें उर्दू पढ़कर मिलती थी तो लड़कियों को पढ़ती थी हिंदी इसलिए कि लड़कों को उस जमाने में हिंदुओं में भी सर्विस करने का रिवाज नहीं था तो इन लोगों ने इन्होंने हिंदुओं ने उस जमाने में हिंदी को अपनी जुबान को बाकी रखने के लिए यह तय किया हुआ था कि लड़कियों को तो कई सर्विस करना नहीं है लिहाजा ये हिंदी पढ़ेंगी लड़के को सर्विस करना है तो ये उर्दू पढ़ेगा उर्दू से सर्विस मिलेगी और हिंदी से हमारी तहजीब हमारी जुबान और हमारा कल्चर बाकी रहेगा कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई मुसलमानों ने कितने जमाने तक हुकूमत की कुछ कम एक हज़ार साल एक हजार साल मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की मदारिस में स्कूलों में तमाम में उर्दू फारसी चलती थी एक हज़ार साल के बावजूद हिंदी खत्म नहीं हुई जब मौका मिला उन्होंने हिंदी सारे मुल्क पर थोप दी और अभी तो सौ साल नहीं हुए आपको आपके बाप दादा आपके पुरखे ये सब उर्दू जानते थे उर्दू पढ़ते थे सब कुछ करते थे आज हमारी लड़कियां भी उर्दू नहीं जानती हमारे लड़के भी उर्दू नहीं जानते आपके पास कोई प्रोग्राम है क्या क्या आप सबक नहीं लेंगे एक हजार साल मुस्लिम हुकूमत रहने के बावजूद उन्होंने अपना कल्चर अपनी जुबान अपनी तहजीब सिर्फ इस फार्मूले पर बचाई कि लड़कियां हिंदी पढ़ेंगी और लड़के उर्दू पढ़ेंगे उर्दू से सर्विस मिलेगी और हिंदी से कल्चर तहजीब और जुबान बचेगी अफसोस है हम अल्लाह के मानने वाले कायनात में किसी से न डरने वाले इतने कम हिम्मत बेहौसला और बगैर प्लानिंग के जिंदगी गुजार रहे हैं और बुध के पुजारी अपने हाथ से मूर्तियां बनाने वाले उसको हाजत रवा मुश्किल कुशा बेटा बेटी रोजी रोटी मांगने वाले इतनी चतुराई और चालाकी से एक हजार साल तक अपनी जुबान को बचाने में कामयाब हो जाए जरा इससे आगे बढ़कर ये तो सोचिए अगर अभी तो सौ साल नहीं हुए और इस हाल पे हम पहुंच गए कि हमारी अक्सरियत तो उर्दू नहीं जानती अगर एक हजार का अरसा गुजरा तो कोई उर्दू वाला रहेगा क्या कब जागेंगे आप कब बेदार होंगे कब आपको होश आएगा उर्दू सिर्फ एक जुबान नहीं है और उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है उर्दू के बड़े बड़े शायर पंडित गैर मुस्लिम शर्मा ये लोग गुजरे फिराक गोरखपुरी कौन है अगर आपको उर्दू की अहमियत और उसके महासिन और दीगर जुबानों पर उसकी फजीलत अगर पढ़ना हो तो फिराक गोरखपुरी को पढ़िए आप गोरखपुरी मुसलमान थोड़ी था गैर मुस्लिम और गोरखपुरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था इंग्लिश का उर्दू नहीं पढ़ाता था इंग्लिश पढ़ाता था इंग्लिश का प्रोफेसर था लेकिन उर्दू के बारे में जो उसने लिखा है कि ये जुबान कैसी है इसकी नज़ाकत कैसी है इसकी मिठास कैसी है और इसमें अदब व आदाब कैसे हैं दुनिया की किसी जुबान में नहीं पाए जाते और जो उर्दू की फजीलत में उसने एक बयान नहीं कि किसी जलसे में दे दिया बाकायदा लिखित में किताबों में सैकड़ों बयान उसके आप देखेंगे तो मैंने तो अपने मुताले के दरमियान किसी मुसलमान अदीब को भी उर्दू के सिलसिले में इतनी जबरदस्त वकालत करते हुए नहीं पाया तो गैर मुस्लिमों की जुबान उस जमाने में उर्दू थी बड़े बड़े माहिर उर्दू के अदीब कौन थे गैर मुस्लिम थे हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी मुसलमान होने की हैसियत से जुबान है हमारी जुबान तो असल मजहबी जुबान हमारी अरबी है लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारा दीन हमारी तहजीब हमारा कल्चर हमारी शख्सियत हमारी पहचान ये सब जरूरी है और इसको मिटाने की कोशिश की जा रही तो सबसे पहला हमला किस पर है जुबान पर इसको यही छोड़ते हैं दूसरा हमला किस पर है हमारे कल्चर पर आप जरा जो हाँ हमारी हुकूमत थी उसको तो छोड़ दी अंग्रेजों के जमाने में 200 साल के अरसे में हमारी तहजीब गालिब थी गैर मुस्लिम भी वो कपड़े पहनना फख्र समझते और मानते थे जो मुसलमानों की तहजीब के कपड़े हैं नबाश शलवार कमीज गैर मुस्लिम औरतें भी उसको पहन के फख्र करती थी अभी सौ साल नहीं हुए हमारी मुसलमान औरतें साड़ी और ब्लाउज और अध नंगी होकर फख्र कर रही हैं क्या शर्म नहीं आनी चाहिए हमें तो आपने अपनी जुबान को फरामोश किया तो कल्चर को भी हाथ से जाने दिया हमारी तहजीब क्या फर्क होता है और कल्चर सा यह काम हम अल्लाह के भरोसे करेंगे उर्दू जानता है तो अल्लाह के भरोसे कहेगा और अगर नहीं जानता है तो कहेगा राम भरोसे छोड़ दिया है सारी ताबीरत मुशरिकाना और बुतप्रस्ती के माहौल की सारी तशबीहा ताबीरिब सब बदल जाते हैं तो इसको महसूस कौन करेगा महसूस करें तो आप अपने कल्चर की हिफाजत करें और जो हमारे बच्चे नेकर पहनकर हमारे आसपास घूम रहे हैं इनको कौन समझाएगा कि ये हमारा कल्चर नहीं है और जो हमारी बच्चियां आज बगैर आस्तीन की कमीजें और ब्लाउज पहनकर घूम रही हैं ये किसकी बच्चियां हैं हमारी ना है मुसलमानों की ना है कौन इनसे कहेगा जरा जरा से मसले में हम मारकाट के लिए तैयार हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करने के लिए तैयार हैं सेमिनार करने के लिए तैयार एक मसले में लेकिन ये पूरी तहजीब का मसला है और कोई जमात कोई तंजीम इसके लिए उठकर काम करने के लिए बैन देने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमानों के समाज में मुसलमानों के महल्ले में ये अधनंगी लड़कियां जवान लड़कियां क्यों फिर रही है मेकअप किए हुए अभी इनका कहीं रिश्ता नहीं लगा है ये महंगे महंगे मेकअप करके क्यों फिर रही है बाप नहीं पूछ रहा है तेरे पास आ कहां से रहा यह भाई नहीं पूछ रहा उसको गैरत नहीं आ रही है ये बंद कर सोलह श्रृंगार करके घर से निकलती है इसको ये सब श्रृंगार का सामान दे कौन रहा है बड़ा शोर है ना मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं भाग रही है, इस खानदान की नाक कटा रही हैं क्या अचानक हो जाता है ये इसके पीछे बहुत मसला रहता है तो अपने कल्चर को बचाओ अपनी लड़कियों को बचाओ अपने लड़कों को बचाओ हमारा कल्चर अगर बाकी है तो हम बाकी हैं और अगर हमारा कल्चर ख़त्म हो गया तो हम खत्म हो गए अक्सरियत में अकलीत को ज़म होने में कोई देर नहीं रखती और जो चीज़ बचाती है रुकावट पैदा करती है वो सिर्फ उसका कल्चर होता है और कल्चर को आपने गंवा दिया अपनी तहजीब को गंवा दिया तो आप अकलीत से हट गए अक्सरियत में जाके जम हो गए तब फिर आपका वजूद खत्म हो गया तीसरी चीज है अपनी शनाख्त हमारी शनाख्त के लिए बहुत ज्यादा शनाख्त मिटाने के लिए यकस सिविल कोड ये वो सब सुनते रहते हैं ना रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं आप ये किस लिए हो रहा है हमारी शनाख्त मिटाने के लिए हिजाब का एक सारा विभर किस लिए है हमारी शनाख्त मिटाने के लिए हमारी टोपियों से लोगों को एलर्जी क्यों है हमारी शनाख्त मिटाने के लिए हमारी दाढ़ियों पर एतराज़ क्यों है हमारी शनाख्त मिटाने के लिए जब हमारी शनाख्त मिट जाएगी तो हम भी उसी समाज का हिस्सा बन जाएंगे जो वसनी समाज है अपने हाथों से मूर्तियां बनाकर उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ी बनाने वाला मानते हैं उसी समाज का हिस्सा बन जाएंगे भाइयों मैंने बात ईमान से शुरू की थी तो इन तीनों चीज़ों को घुमा फिरा कर देखो तो बात ईमान पर ही जाकर रुकती है तो ईमान की हिफाजत के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं तो अपनी ज़ुबान को अपने बच्चों को आमादा करो उनसे पढ़ाओ और अपने घरों में एक बात और अच्छा खासा हम खर्च करते हैं हमारे घर इंग्लिश अखबार आता है हिंदी अखबार आता है उर्दू क्यों नहीं मंगाते बोल सब कोई जानता ही नहीं आप तो जानते हो ना जब मंगाओगे तब पढ़ेंगे ना बच्चे उर्दू अखबार वाले रफ्ता रफ्ता सारे अखबार बंद हो गए कितने अखबार हमारे सामने दावातजमीत ये कौमी अखबार कहलाते थे बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए सब बंद हो गए बिल्ड निकलता था इतना बड़ा अखबार कोई दीन ही नहीं था लेकिन जुबान तो बाकी थी ना उससे नशे में निकलता था ये सारे अखबार नई दुनिया ये वो तमाम दीन नहीं था उसमें दुनिया थी खुराफात थी जहालत थी सब कुछ था लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम हमारी तहजीब की बातें उसमें होती थी तो आप अपने घरों में कोई बड़ा खर्चा नहीं है तीन सौ चार सौ रुपये महीना अगर किसी खबर अख। पर अखबार पर आप खर्च करते हैं तो ये बड़ा खर्च नहीं है इन अखबारों की जो निकालते हैं इनकी मदद करना और इसको ख़रीदना मदद यही है आपसे कौन सा वो डोनेशन मांग रहे आप उनका अखबार खरीदिए जो पैसा हो रहा है वो आप दीजिए हमारी सारी कौम उर्दू अखबार पढ़ने लगे तो हमारे कौमी अखबार भी उर्दू अखबार हमारे उसी मीयार के छपेंगे जिस म्यार के इंग्लिश वाले छपते हैं हिंदी वाले छपते हैं खबरें भी उसमें ओरिजिनल होंगी हमारे उर्दू अखबारों में तो दो दो तीन तीन दिन बासी खबरें होती हैं और यही सोच के हम छोड़ देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि बासी खबरें देते क्यों हैं है ये इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है फ्राम होता नहीं पैसा आप खरीदते नहीं तो बेचारे कहाँ से अपने लगाएंगे इनकलाब आपका यह अखबार था बम्बई की शान था या की पहचान था आज एक जगह से नहीं सत्रह अठारह जगह से निकलता है लेकिन कौन मालिक है उसका पॉलिसी कौन उसकी तय करता है आप अच्छी तरह से जान सकते हैं तो एक गैर मुस्लिम चला रहा है अखबार आपका है आपकी जुबान है आपकी खबरें ज्यादा होती हैं आपके उसमें एडिटोरियल बोर्ड में ज्यादा लोग हैं तो क्या वो आपकी हमदर्दी में करेगा सोचे ना हम क्या कर रहे हैं तो अख, उर्दू अखबारों को लगाओ अपने घरों पर उसकी इशात बढ़ाओ ताकि वो अपनी क्वालिटी को अच्छा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की अता तो फरमाए वक्त ज़्यादा हो गया और इतना वक्त मुझे करना नहीं था अल्लाह इज़्ज़त हमें जब तक ज़िंदा रखे अपनी ज़ुबान अपने कल्चर और अपनी तहजीब को बाकी रखने की अता तो फरमाए अलमैकम वरह वा